अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ रे रोड में। इस जगह का नाम दोस्तों रे रोड है और रे रोड के मैं अभी दारू खाना में हूँ। और फिलहाल दोस्तों आज मैं दारू खाना में यहाँ की एक बहुत ही फेमस दरगाह है दोस्तों, वहाँ पर भी विजिट करने वाला हूँ। वहाँ के आस पास बहुत सारी दोस्तों जिंदगियाँ बसती हैं इन झुग्गी झोपड़े में, वो सारी चीज़ों को फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसी तरह से रे रोड से जस्ट बाहर निकला हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, एक तरफ से देखेंगे बहुत सारी होम जैसे लाइफ वगैरह यहाँ पे रहती है। ये फिलहाल दोस्तों मुझे लग रहा बहुत टाइम पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह रहा करता था, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें दोस्तों अबॉन्डेंट, मतलब बोले दोस्तों टूटी हुई पड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इक्का दुक्का कहीं कहीं आपको महजाए दिखाएंगे, और कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों इस तरह से बैठ के अपना टाइम पास करते हुए अपना यहाँ पे ताश वगैरह खेलते हुए भी आपको सामने की तरफ दिखाई दे जाएंगे। कुछ लोग दोस्तों यहीं पर अपना बाहर खाना वगैरह बना रहे हैं, होम जैसे लोग। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग, एक तो लोग नहीं दोस्तों, यहाँ पे कम से कम आपको हजारों लोग देखने को मिलेंगे इधर के आसपास के एरिए में, इसी तरह से दोस्तों अपना रोडों पे ज़िंदगी वगैरह काटते हुए। फिलहाल दोस्तों अभी मुझे जिस तरफ जाना है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे जाना किधर से, इधर से जाना है या इधर से जाना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा आगे की तरफ से चलता हूँ। और आप जो, मैंने यार दारू खाना इसका नाम क्यों पड़ा मुझे एग्जैक्टली दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इस जगह को दारू खाना कहते हैं। और यहाँ पे जो स्पेशली काम होता है शिप यार्ड है, मतलब बोलिए दोस्तों शिप की रिपेयरिंग वगैरह होती है, उसकी कटिंग्स वगैरह होती है। फिलहाल दोस्तों इसी दारू खाना में वो दरगाह भी है जिस दरगाह की दोस्तों स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लोहे की पाइप वगैरह की ज़रूरत रहती है, मतलब हैवी वर्क के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आसानी से मिलेगा। यहाँ पर पूरा इसी तरह का, अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री है अब क्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपको चारों तरफ से इस तरह से लोहे का कारोबार वगैरह होते हुए दिखाई दिया जाएगा, स्पेशली दोस्तों इस दारू खाना के एरिए में। तो फिलहाल दोस्तों अगर मैं दारू खाना की रोडों का हाल दिखाऊँ, भाई साहब पूरा देख रहे, पूरी इसकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी हैं। रोडें तो खैर बनी हुई हैं, लेकिन तो भी बरसात में दोस्तों एकदम कचरे जैसा हो गया, मतलब पूरा टूट फूट सा गया है। और फिलहाल दोस्तों एक या दो गली छोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा अपनी दरगाह का रास्ता, जो दरगाह की तरफ रास्ता जाता है। फिलहाल दोस्तों हम जो चलते हैं, और जो इस दरगाह का नाम है दोस्तों मीरा दत्ता दरगाह, ये देख सकते हैं दरगाह का एंट्री गेट है, हजरत पीर सैयद अली मीरा दत्तार बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये दोस्तों कुछ इस तरह से एंट्री गेट है। फिलहाल दोस्तों अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, और मैं भी थोड़ा सा ही आगे चलिए दोस्तों वो दरगाह है जहाँ पे हम लोग इस स्पेशली विजिट करने जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे मोस्टली आपका लोहे का कारोबार वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से लोग छोटे छोटे घर वगैरह भी बना के रहते हैं, मतलब इधर खतरनाक तरह की झुग्गी एंड बस्तियाँ भी हैं। और थोड़ा सा ही आगे दोस्तों हमारा दरगाह है। अभी मैं सैयद अली मीरा दत्तार दरगाह के पास पहुंच चुका हूं। बाकी यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया हूं, यहां पे छोटे छोटे मुझे होटल्स वगैरह भी दिख रहे हैं, और वहां पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक्स वगैरह दोस्तों यहां पे खाना वगैरह खा रही हैं, मतलब स्पेशली दोस्तों जो इधर के एरिया में हेल्पर वगैरह वर्कर वगैरह काम करते हैं वो वहाँ पर दोस्तों इस तरह से इकट्ठा होकर खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इस तरह से होटल है, आगे की तरफ भी दोस्तों ये देखिए ये भी एक होटल वगैरह है, मतलब आपको जगह जगह दोस्तों इस तरह से होटल वगैरह देखने को मिलेंगे। और बाकी सामने की तरफ देखिए दोस्तों एक काफ़ी बड़ा सा आपको गेट दिखाई देगा, ये है मीरा सैयद मीरा अली दत्तार दरगाह की दोस्तों एंट्री गेट। फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे चलते हैं अंदर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी इस दरगाह पे काफ़ी टाइम तक था। यहाँ पे लोग जिन कहते हैं ना, मतलब जिनके ऊपर दोस्तों भूत या शैतान या प्रेत वगैरह होता है वो यहाँ पे आता है, अमूमन उसको उस चीज़ से निजात मिलती है। अभी एक लेडी को मैंने देखा भाई साहब, किस तरह से मतलब गालियाँ बक रही थी, और मतलब बोले तो अपने पूरे बॉडी को यार ऐसा ऐसा हिला रही थी, मतलब एकदम अलग ही हरकत कर रही थी भाई साहब, समझ ही में नहीं आ रहा था। और ज़्यादा उम्र नहीं रहा होगा उस लड़की का, मात्र जो एज रहा होगा मुश्किल से यार 1500 साल की रही होगी यार, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ, और प्लस यार मतलब अजीब वो गरीब हरकतें कर रही थी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों मीरा दत्तार की दरगाह थी। फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। बाकी दोस्तों मैं अभी वहाँ से दरगाह की तरफ से निकला हूँ, इस तरह से झुग्गी एंड बस्तियों से होते हुए थोड़ा सा मैं अभी आगे की तरफ चल रहा हूँ, और आगे की तरफ दोस्तों में भी समुंदर है।
होता है ना, होता है क्या होता है यार, मैं देख रहा हूँ इतना इतना कीचड़ हो जाता है। और आखिरकार दोस्तों मैंने इस जगह को फाइंड किया है ना, वैसे आपका धंधा क्या है? तो फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से पूरा सीन्स है। अभी जैसा कि दोस्तों ये पीछे की तरफ पूरा आपको शिपयार्ड दिखाई दे रहा होगा, इधर से पूरा दोस्तों चारों तरफ से झुग्गियाँ बनी हुई दिखाई देंगी। ये मैं पीछे के हिस्से में खड़ा हूँ, जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं मैं पीछे के हिस्से में खड़ा हूँ। अभी दोस्तों मैं सामने की तरफ से चल के वो सारी चीज़ों आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। उसे मैं नीचे की साइड नहीं उतर पाऊंगा क्योंकि इधर कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो नहीं तो मैं आपको नीचे भी उतर के दिखाने की कोशिश करता। बाकी दोस्तों इस शख्स देख सकते हैं इस कचरे में इस तरह से बकरी वगैरह भी अपना घूम रही हैं, यहाँ का आनंद उठा रही हैं। यहाँ पे दोस्तों चारों तरफ से कचरा ही कचरा है, और वो पूरा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे दोस्तों पूरा उधर सिर्फ रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है सामने की तरफ। और ये सामने की तरफ अगर नीचे की तरफ देखेंगे ये भाई लोग हैं जो सिपों का काम कर रहे हैं। इधर देखेंगे तो कुछ सिपें एकदम से स्क्रैप हुई पड़ी हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। और इधर पे दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी सिपें हैं, और इधर कुछ नई सिपों का काम अभी हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी ये जैसे सामने की तरफ देख पा रहे होंगे ये सारी झुग्गियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, ये पूरा समुन्द्र का किनारा है। वैसे समुन्द्र का किनारा दोस्तों बोले तो ये बनाया गया है, यहाँ पे सिप वगैरह की पार्किंग होती है। इधर से दोस्तों करीबन 100-200-250-300 मीटर दूर तक दोस्तों इस तरह से झुग्गियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पे दोस्तों सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे इतनी गंदगी है दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बदबू वगैरह दोस्तों आती है। फिलहाल दोस्तों अभी हम आपको इसी एरिया में ले के चलेंगे आगे की तरफ, और यहाँ की ज़िंदगी वगैरह दिखाने का हम दोस्तों आपको प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इनके घरों के सामने किस तरह से पूरा कचरा वगैरह फैला हुआ है, सामने किस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको बोटें लगी हुई दिखाई देंगी, और इसी तरह से दोस्तों पूरा इनका लाइन में घर बना हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पानी वगैरह भरता है, और तो इनके घरों तक पानी आता है लेकिन दोस्तों घर के अंदर तक नहीं जाता है, ऐसा हम लोगों से बात करने के बाद दोस्तों फिलहाल हमें पता चला था। बाकी दोस्तों अभी हम आ गए हैं इनके घरों से काफ़ी आगे, तो फिलहाल दोस्तों अभी देख सकते हैं हम घूम रहे थे ऐसे ही दारू खाना, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे दिखे हैं। तो एक बार बच्चे लोग पहले पारी के पारा नाम बताओ, आपका नाम? सकीना। आपका नाम? सबीना। आपका नाम? मनवार। आपका? मोहम्मद अयान। तो अभी आप लोग किसके फैन हैं, YouTube में किसकी वीडियोस देखते हैं ज्यादातर? अभी अभी यात्रा गुरु जी आए हैं और उनकी वीडियोस देख, अच्छा कौन सी वीडियो उनकी देखी बताओ मुझे तो? हमने देखी मगर क्या बोलते हैं, रुपट्टा बनाया था वो मस्ती वाला वो अच्छा। कौन कौन ये रुपट्टा लेके वीडियो बनाए थे? झूठ बोल रहे हो क्या गुरुजी, आप रुपट्टा जी के वीडियो बनाते हो क्या? गुरुजी रुपट्टा जी के वीडियो बनाते हैं भाई, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। गुरुजी रुपट्टा नहीं लिए थे, हाँ हाँ हाँ। उधर पे था एक लड़की भी थी वे लिए थे, उनके बाजू में गुरुजी का फोटो था। अच्छा मतलब सिर्फ आप जो थंबनेल देख के आए हुए है ना, हाँ अभी समझ में आया भाई, मैं कह रहा हूँ गुरु जी कहाँ से। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? नसीम भाई। आप यहाँ पे क्या करते हैं नसीम भाई? कबाब पाव का धंदा लगाते हैं। कबाब पाव का धंधा लगाते हैं। आप इधर ही रहते हैं क्या नसीम भाई? तो आपको इधर किसी किस तरह की दिक्कत आती है, जैसे कि यहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह रहता है या पानी वगैरह, मतलब किस तरह की समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं। वैसे आपका धंधा क्या है? कबाब पाव का धंधा करते हैं। तो रोज का कितना कमा लेते हैं नसीम भाई? अब रोज का तो अभी बारिश का टाइम है, फिर थोड़ा बहुत कमी होता है, 100-200। अच्छा अच्छा अच्छा। फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह के सीन्स थे जो कि अभी देख रहे हैं कितने सारे बच्चे लोगों ने हमें घेर लिया है, और ये पीछे पड़ गए हैं कि हमको दिखाओ भैया हमको दिखाओ। तो आप लोग आ गए ना, अभी खुश हैं? कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। आपका नाम क्या छोटू? आपने नाम काशिफ। और आप? सारिम। सारिम। तो फिलहाल दोस्तों ये यहाँ के बच्चे हैं जो कि वाकई काफी एक्टिव और फैन जानते हैं किसके, एल्विस यादव के। बच्चे उनकी वीडियोस नहीं देखने का? मैंने दानिश जैन की वीडियो का फैन था, वीडियो का नाम क्या था? यात्रा गुरु जी। हाँ, यात्रा गुरु जी का। तो फिलहाल दोस्तों अभी ये जगह जो देख पा रहे होंगे, इस जगह को दोस्तों मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में देखा था, बहुत सारे फोटोज में देखा था, और आखिरकार दोस्तों मैंने इस जगह को फाइंड किया। ये पूरा दोस्तों जो एरिया है दारू खाना के एरिया है, ये चारों तरफ दोस्तों आप देखेंगे पूरा समुंदर है, और सामने की तरफ जो वो आपको पहाड़ियां दिख रही होंगी, अभी मेरे हिसाब से विजुअल उतनी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन दोस्तों ये जो सामने की तरफ पहाड़ियां देख रहे हैं मेरे हिसाब से दोस्तों ये एलिफेंटा केव की ही पहाड़ियां हैं। बाकी दोस्तों आप इधर का ये नज़ारा देखिए कितना खतरनाक दोस्तों, ये पूरा पहाड़ी बना हुआ है, देख पा रहे हैं दोस्तों नीचे से लकड़ी का पिलर है, और ऊपर की तरफ दोस्तों बहुत सारी घरें बनाई हुई हैं, और इधर लोग देखेंगे दोस्तों ये सारी बोट हैं जो कि पार्किंग हुई पड़ी हैं। ऐसा कहना है लोगों का बरसात के टाइम तक यहाँ पे पार्किंग रहती है, बरसात का टाइम जैसे ही खत्म होता है ये फिर से वापस से अपने मतलब समुन्द्र में जाती है, अपने अपने एक्टिविटी में लिप्त हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह के सीन्स हैं दोस्तों जो कि मैं आपको दिखाने के लिए करीबन
चार से पाँच किलोमीटर का आज यहाँ पे ट्रैकिंग करके इस जगह तक पहुँचा हूँ। काफी खोजबीन करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ तक आ पाया हूँ। बाकी ये पीछे के सीन देखते हैं दोस्तों, ये इधर जो पीछे की तरफ पूरा का पूरा झोपड़पट्टी है, जो कि आप ऑलरेडी वीडियो में अब तक तो देख ही चुके होंगे। बाकी इधर का एरिया देखिए दोस्तों, ये पूरी पहाड़ी मतलब ये समुन्दर का किनारा है और यहाँ पे पूरे पत्थर एक तरफ से टूटे हुए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कोई बिल्डिंग वगैरह या फोर्ट वगैरह था जो कि अभी टूट के पूरा इधर नीचे की तरफ गिर चुका है। और बाकी चारों तरफ से दोस्तों यहाँ पे आपको शिप पार्किंग हुई दिखाई पड़ेंगी। बाकी ये चीज जो है ना बाकी दोस्तों काफी खतरनाक था, और यहाँ पे जो किस तरह से जिंदगी का अपने गुजर बसर करते हैं ये मुझे देख के दोस्तों वाकई काफी ताज्जुब सा फील हो रहा है कि यार लोग सोचो कैसी कैसी जिंदगियां जीते हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे रहते हैं। और अभी दोस्तों मैं आपको अंदर का तो अब तक आज रेडी काफी कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से दोस्तों मैं यहाँ से चलता हूँ अभी अंदर की तरफ, आपको बहुत सारी लोकेशन दिखाऊंगा कि लोग अपने जिंदगियों का दोस्तों किस तरह से यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। तो फटाफट दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, वहाँ पे कुछ सीन्स वगैरह हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से अपने जीवन का यापन करते हैं। दोस्तों पूरा कीचड़ कीचड़ है, कहते हैं ना दोस्तों कीचड़ की जिंदगी अगर आपको कहीं देखनी हो तो मुंबई में आइए, आपको गाँव में भी दोस्तों उस तरह का कीचड़ नहीं दिखेगा जिस तरह से कीचड़ यहाँ मुंबई में इस एरिया में दिखेगा दारू खाने में। सामने की तरफ दोस्तों इस तरह से पूरा कीचड़ रहता है और बगल में लोगों का घर बना होता है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया तो वो बोलते थे इनके बच्चे बराबर दोस्तों उसमें गिरते हैं लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों किस कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी है कि लोग ऐसी जगह पे रहते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पापा हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं, जो हमारे वो यहीं पे एक दारू खाना में काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिपयार्ड वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत सारे शिप वगैरह के काम वगैरह होते हैं। तो कुछ इस तरह के दोस्तों फिलहाल सीन्स हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ दिखा चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी दोस्तों दिखानी बची हैं। बाकी ये चीज़ जो मैंने देखा है दोस्तों वाकई काफ़ी शानदार है। इस तरह से देख सकते हैं यात्रा गुरु जी भी वहाँ पर आराम से बैठ के दोस्तों वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं। हेलो गाइस, अपने चैनल को भी देखते रहना यात्रा गुरु जी। यात्रा गुरु जी तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं ऐसे ही ये जगह आपको दिखा रहा था ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग आ गए अभी इधर से वो क्रॉस करके आ रहे थे। तो आप लोगों को डर नहीं लगता आप ऐसे ही कूद जाते हैं यहाँ से? नहीं अंकल, ये तो कम है, इससे भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे में गिर जाते। अच्छा तुम लोग इधर घर किधर घर है आपका? इधर सामने की तरफ घर है क्या? नहीं अंकल उधर है। किधर है? आगे की तरफ है क्या? आपका नाम क्या है? सूर्यांश। सूर्यांश आपका नाम क्या है? अरबाज। और अरबाज भाई आपका नाम? अयान। तो जैसा कि दोस्तों अभी देख रहे हैं यहाँ पे सूर्यांश भाई हैं, ये अरबाज भाई हैं, ये अयान भाई हैं। तो अरबाज भाई एक बात बताओ मुझे, आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है आपको? रोड पे पानी वगैरह भर जाता है कोई समस्या? हाँ। नहीं होता उससे? होता है ना। होता है, क्या होता है यार? मैं देख रहा हूँ इतना कीचड़ हो जाता है तो फिर कैसे निकलते हैं घरों में से? निकल जाते हैं कैसे भी करके निकल जाते हैं। तो सूर्यांश क्या? अरे बाप रे, हाँ अरे बाप रे बाप रे, बच्चे लोगों को दोस्तों चोट लगा हुआ है। हाँ तो फिर जब आप लोगों को चोट लगता है तो फिर क्यों कूदते हो आप लोग? मजा आता है क्या? कुछ एक्शन सीन्स करना बनता है क्या? मतलब एक्शन सीन्स करने में मजा आता है, कूद जाते हो कहीं से भी, ऐसा है क्या? अरबाज भाई क्या इतना मुड़िए जा रहे हो यार, थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बोलो भाई। अरबाज भाई अपना दोस्तों भी काफी शर्मा रहा है। शर्मा रहे हो क्या? नहीं यार, किससे शर्माना है यार, वीडियो ही बन रहा है। हाँ सूर्यांश भाई आप तो काफी यार एकदम मस्त जगह। अभी ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है ये? मच्छी पकड़ने वाला। पकड़ेगा क्या अभी? अभी नहीं पकड़ूंगा, मेरे को मिला है। अच्छा अच्छा मिला है क्या? यहाँ पे लोग मच्छी पकड़ते हैं। मच्छी पकड़ते हैं? आपने कभी पकड़ा है यहाँ पे मच्छी वगैरह? क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी? अबे साला, कौन सी मच्छी पकड़ा है आपने अभी तक? डोमा। डोमा और ये बोई और करकरा और सिंगाड़ा। भाई देखो मुझे मच्छियों के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है कौन कौन सी मच्छी पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप कहाँ से हैं सूर्यांश भाई ये बता दीजिए? हमारा गाँव। हाँ गाँव कहाँ से है? हम लोग गोरखपुर और अमटोरा जिला में रहते हैं। अच्छा गोरखपुर से हो आप? अच्छा अच्छा, और आप भाई कहाँ से रहते हैं? नागपुर। नागपुर आप जनाब? मैं कल्लौर से। कल्लौर से? तो मतलब दोस्तों ये सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से यहाँ पे रहते हैं, और हम भी दोस्तों जौनपुर से रहते हैं जैसा कि आपको हमने ऑलरेडी बता ही रखा है। तो सूर्यांश भाई आप किसके साथ रहते हैं, कौन कौन रहता है यहाँ पे आपके? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दो बहन। अच्छा आपकी दो बहन बड़ी है छोटी है आपसे? एक दीदी मेरे से बड़ी है। हाँ छोटी हैं। आप रहते हैं उधर साइड में है ना? तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी देख रहे हैं सूर्यांश भाई से हमने काफी टाइम तक बातें की, सूर्यांश भाई ने हमें काफी कुछ बताया यहाँ के बारे में। अभी ये काफी छोटा है, उम्र क्या होगी सूर्यांश तेरी? 13 साल। 13 साल की है क्या? तो 13 साल में अभी किस क्लास में हो सूर्यांश तुम? 8th में हो क्या? अच्छा अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करते हैं?
मुझे अंकल तो हिंदी पसंद है। हिंदी पसंद है, इंग्लिश नहीं पसंद है? अरे यार अभी इंग्लिश में यार सारी पढ़ाइयाँ इंग्लिश में होती हैं, सभी इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं, और आप हिंदी पसंद क्यों? उसकी वजह? क्योंकि मैं वो रैपर बनने का। एमसी स्टैन? एमीवे। अच्छा अच्छा, इनको एमीवे बनना है दोस्तों, हमें जगह एमसी स्टैन बनना, क्योंकि यहाँ पे लोग एमसी स्टैन के दीवाने हैं। तो ठीक है सुरियान, सही है ना? और आप सूट करना हो यहाँ से चलते चलते घंटे वगैरह दिखा के वो कर लो। सही कह रहे हैं। दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं ये दारू खाना में, जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ का एरिया देख पा रहे होंगे चारों तरफ से, दोस्तों अभी यहाँ पे गड्ढे हुए पड़े हैं और इधर चारों तरफ से आपको झुग्गियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट वगैरह भी है, सामने की तरफ आप चलते जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारा मार्केट वगैरह मिल जाएगा। बहुत मतलब दोस्तों यहाँ पे ना एवरीथिंग अवेलेबल है। देखिए ये भी है दोस्तों यहाँ पे उतनी ही कीचड़ है, जैसा कि दोस्तों अभी मैं अपोजिट साइड से आपको घुमाते हुए दिखा रहा था कि किस तरह से लोगों के दोस्तों घर बने हुए हैं, कितना कीचड़ वगैरह है यहाँ पे, किस तरह से लोग दोस्तों अपनी ज़िंदगियों का गुजर बसर करते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी मंदिर है यहाँ पे, और मंदिर के पास नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दुकानें वगैरह रहती हैं। फिलहाल बरसात के मौसम में दोस्तों जो सबसे एक चीज़ बुरी हालात में आ जाते हैं वो कचरे के दोस्तों जगह, जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका जाता है, देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा किचकिच हुआ है, बहुत बुरी दोस्तों यहाँ से बदबू वगैरह आने लग गई है अभी। बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा घर वगैरह बना हुआ है फिलहाल दोस्तों लोगों का। तो कुछ इस तरह के दोस्तों सीन्स हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों नमस्कार।